वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की जो वीडियो है वो टीमू का हॉल है। क्या क्या चीज़ें दी हैं यहाँ से, पहले तो हम काफ़ी देर से लेते नहीं थे, शायद यहाँ से अच्छी चीज़ें नहीं आती, लेकिन अब हमने ट्राई किया है तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दो अलग पार्सल हैं, पहले ये सेकंड पार्सल है वो खोल रही हूँ। फर्स्ट पार्सल है वो पहले से ओपन हो चुका है, उसकी वीडियो नहीं बनाई, उसकी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। चीज़ें यहाँ पे अमेज़ोन के मुकाबले में बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है आने में, एक हफ्ते से तो एक दो दिन ऊपर हो जाता है। तो सबसे पहले ये मैगनेट्स हैं, मैगनेट्स जो हैं मैंने साइज़ अच्छे से चेक नहीं किया था कि फ्रिज मैगनेट्स जो हैं वो कि वो इतने छोटे से होंगे, लेकिन बाद में मैंने जाके चेक किया है तो वाकई उन्होंने वीडियो दिखाई थी जिसमें ये इसी साइज़ के थे, तो मैं सोच रही थी थोड़े से बड़े होंगे। तो ये आए हैं हमारे छोटे छोटे से क्यूट से फ्रिज मैगनेट्स, और इसमें अलग अलग सी चीज़ें बनी हैं, न्यूटेला और केचप मायोनीज इस तरह की चीज़ें हैं। एक नेकलेस है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मेरी बेटी ने लिया था, ये शायद दो फ्रेंड्स के लिए, तो ये जो है इस तरह से एक मेरे बेटे ने ले लिया, दूसरा भी उसने ले लिया। उसके बाद ही मैं मंगवाए थे किचन टावल, तो ये हैं किचन टावल। और उसके बाद ही मैंने किचन के लिए कुछ स्टिकर थे वो मंगवाए हैं, इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ। ये है एक, उसके बाद उसके बाद है ये टेबल रनर। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, मुझे सनफ्लावर थीम काफ़ी पसंद आ रहा था तो दोनों मैंने सनफ्लावर थीम में लिए हैं। ये है टेबल रनर, इसको डाल के आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद लिया है ये मैंने एक, इस तरह से है, इसके अंदर आप कोई भी मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, उसमें आप पानी डालेंगे और थोड़े से कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं, कलरफुल स्टोन्स वगैरह ऐसे कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें, तो इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी बाकी चीज़ें इसकी मेरे पास नहीं है, क्योंकि पिक्चर में मैंने देखा था तो मुझे लगा था ये शायद हमें कम्प्लीट मिलेगा, लेकिन जब मैंने बाद में गौर से देखा ऑर्डर करने के बाद तो इसके लिए हमें चीज़ें खुद से देनी पड़ेंगी, तो ये हम साइड पर रख देते हैं। और अब इसके बाद एक नेक्स्ट है, ये है अक्सर मैंने देखा है किचन में यूज़ होता है टैप के आगे लगता है, तो इसको क्या कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, तो आपको पता है अगर तो मुझे ज़रूर बता दीजिए कि इसको क्या कहते हैं। तो ये हम लगाएंगे किचन के टैप के आगे। उसके बाद हैं ये कॉफ़ी के कप्स बने थे, तो ये जो मैंने पिक्चर में देखा था डाइनिंग टेबल के पीछे लगे थे और काफ़ी बड़े बड़े से नज़र आ रहे थे, वैसे तो इन्होंने हर चीज़ के नीचे साइज़ लिखा होता है, लेकिन मैंने ही इसे गौर से नहीं देखा उस टाइम पर, तो मैंने इसको काफ़ी बड़ा सा समझ के ख़रीद लिया है, तो इतने बड़े नहीं है साइज़ से जो है वो हमारे हाथ में नज़र आ रहा है आपको कि इसका क्या साइज़ है। उसके बाद ये एक और स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स का एक पैक है ये किचन के लिए और ये दूसरा एक स्टिकर्स का पैक है, तो अब इन दोनों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की है। तो ये है एक और स्टिकर है जिसमें इस तरह से प्लांट बने, और शुक्र है ये थोड़ा बड़ा ही है लेकिन बड़ा भी नज़र आ रहा था और इसी तरह से ये निकला है बड़ा। और ये जो है ये लास्ट पीसेस स्टोर है, देखिए लास्ट ही कुछ रह गए हैं, तो ये मैंने ले लिया है। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स हैं जो कि हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक दो तीन अलग अलग से तीन स्टिकर्स हम निकालेंगे और किचन में लगाएंगे। तो इससे पहले जो हमारा पहला इससे ऑर्डर था उसमें हमने ये स्टोव के लिए मंगवाए थे, तो ये दो सेट हमने लिए थे, एक सेट मैंने यूज़ कर लिया हुआ है यानी कि यूज़ में इस वक्त, और ये दूसरा है। उसके बाद है ये एक मिनी ह्यूमिडिफायर है, ये जो है ये हमारा भी पैक ही है, दूसरा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी जो सही चलता है। आज हमने ये लिया था ट्रैवलिंग के लिए इस तरह से, जो टूथब्रश वगैरह रखने के लिए ये दो लिए थे हमने। उसके अलावा हमने ये वॉल पे लगाने के लिए जो है फूल लैंप्स लिए थे, अभी हमने यूज़ नहीं किया, ये हमने चार पीस लिए हुए हैं। ये जो है ये तीन है बल्कि, तो एक ही इस वक्त खुला हुआ है। उसके बाद ये एक हमने लिया था ये जो किचन के पेपर टॉवल लगाने के लिए,
तो ये एक हमने यूज किया, एक हमारा पड़ा हुआ है। तो ये हमारे लग गए हैं फ्रिज के मैग्नेट्स, छोटू छोटू से हैं बहुत। अब हम डाल लेते हैं टेबल रनर को और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये है फाइनल लुक हमारे टेबल रनर की। अब हम लगा लेते हैं किचन के स्टिकर्स। तो हमारे ये जो स्टिकर्स हैं किचन के, ये भी लग गए हैं। अब हम ये दूसरे वाले स्टिकर्स हैं, इनको लगा लेते हैं। काफ़ी एहतियात से इनको लगाना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी बात है इन स्टिकर्स में कि जितने भी मैंने लगाए हैं सारे मैंने दोबारा उतार के फिर से लगाए हैं। यानी कि कुछ भी अगर ख़राब हो गया, उतारा है मैंने उसको लगाया है, लेकिन ये स्टिकर्स ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल वैसे ही रहे हैं, आसानी से उतर गए हैं, आसानी से दोबारा जो है वो लग गए हैं। ये भी हमारे लग गए हैं स्टिकर्स और मुझे तो इसकी लुक काफ़ी पसंद आई है। आ रही है इन प्लांट्स वाले स्टिकर्स की। अब इनको लगा लेते हैं, काफ़ी एहतियात से इसको लगाना पड़ेगा। तो फिर मैंने आधा इसको खोला है और साथ साथ मैंने इसको चिपकाना शुरू कर दिया। वॉल को पहले मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था ताकि जो भी दीवार पर मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए। अब एहतियात से इसको लगा लेंगे। तो ये है ये वाले स्टिकर की फाइनल लुक। पहले मैंने कभी इतने स्टिकर्स नहीं लगाई, पहली दफ़ा ही मैंने स्टिकर्स मंगवाए हैं तो मुझे पसंद आ रहे हैं ये। उसके बाद ही हमने लिए थे कुछ मैट्स ब्लैक कलर में, तो ये भी हम रख लेंगे अब, क्योंकि ये काफ़ी, ये पहले वाला ऑर्डर है तो ये काफ़ी दिनों से पड़े थे, मैंने यूज़ नहीं किए, तो आज इनको भी लगा लेंगे। ये एक लॉन्ड्री बास्केट, ये भी हमने ली थी टीमू से। उसके साथ साथ हमने ये एक रग भी ली थी टीमू से, जिसके ऊपर बच्चों ने जो है, मैंने अभी देखा है कि रात को यहाँ पे लगा दी, क्योंकि कल तक यहाँ पे नहीं थी, रात को यहाँ पे लिपस्टिक लगा दी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।